नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। सिलक्यारा सुरंग के फंसे मजदूर, पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली जानकारी, जिस पर आपको बता दें कि श्रमिकों की राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। वहीं श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है, ये प्रधानमंत्री ने बताया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं, जिन पर पीएम मोदी ने जायजा लिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, सुरंग में फंसे 41 लोगों पर प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान सामने दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको निकालना हमारी जिम्मेदारी है। धामी से बातचीत भी की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और धामी से बातचीत करके अपडेट लिए हैं। जो 41 मजदूर फंसे हैं वह हैं उन पर, और उनका बड़ा बयान उस बीच सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि उनको बाहर सुरक्षित निकालना हमारी जिम्मेदारी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार के अब तक के प्रयास नाकाबी साबित हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गोचर मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, और पत्रकारों से बात करते हुए ये आरोप सरकार पर लगाए हैं कि रेस्क्यू अभियान को 9 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक टनल के अंदर फंसे 40 से ज्यादा मजदूरों को रेस्क्यू करने में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि इस रेस्क्यू अभियान में केंद्र सरकार की रेस्क्यू एजेंसी और राज्य सरकार की रेस्क्यू टीम मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन इतना ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार की सामान्य प्रश्न लगता हुआ दिख रहा है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, आज 10 दिन से अधिक समय हो गया है और 40 लोग टनल से फंसे हैं और सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है। हमने पहले तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज ये कहना पड़ रहा है। पहले आज हम सुरंग खोल रहे हैं, हम आधे से आगे खोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम साइड से खोल रहे हैं, फिर तब तक कहने लगे कि हम ऊपर से खोल रहे हैं। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, और सिलक्यारा का जायजा लेने पूर्व विधायक विजयपाल सजवान और मनोज रावत सहित जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवान, वहीं अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी मनीष राणा सहित कई लोग मौजूद रहे। आज सिलक्यारा में हादसा स्थल पर पहुंचकर जिला प्रशासन, तकनीकी विशेषज्ञों, बचाव में लगी संस्थाओं, टनल के अंदर फंसे परिवारों के सदस्यों और स्थानीय लोगों से भेंट कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं परियोजना के निर्माण के शुरू पर इन टनल के मलबा दुर्घटना स्थिति में फंसे लोगों को निकाला जा सकता है। वहीं मलबा टनल के शुरुआती 70 मीटर की दूरी पर ही गिरा है, लेकिन हादसे में 9 दिन बीतने के बाद अभी तक सब कुछ अनिश्चित है। वहीं बचाव कार्य के लिए जिन 6 विकल्पों की बात की जा रही है उनकी प्रगति जमीन पर अभी के नहीं के बराबर दिख रही है। वहीं सरकार भले ही कितने बड़े दावे कर ले, लेकिन सिलक्यारा हादसा ने प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंची, जहां कुलपति चिन्मय पांड्या द्वारा उनका स्वागत किया गया। प्रतिकुलपति ने मंत्री रेखा आर्या को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय सेवा योजना पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर का आयोजन कुल 9 दिनों तक चलेगा। वहीं संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस विद्यार्थी जीवन के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जो विद्यार्थियों को जीवन जीने का सही तरीका बताता है और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए उसके बारे में भी अवगत करवाता है। राष्ट्रीय सेवा आयोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या ने इस कार्यक्रम में शिरकत ली। वहीं 9 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें मंत्री रेखा आर्या पहुंची हैं, और ये राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम है
जिसका आयोजन किया गया है, जिसमें मंत्री रेखा आर्या भी पहुंची है। खासकर युवाओं के लिए ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंत्री आर्या ने अपनी मंच से युवाओं को संबोधित भी किया। और 9 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम है, जिसमें मंत्री आर्या ने शिरकत लेके युवाओं से बातचीत की। हरिद्वार में बिजली का बिल और पोल का किराया वसूलने को लेकर यूपीसीएल और नगर पालिका आमने सामने आ गए हैं। यूपीसीएल ने नगर पालिका शिवालिका नगर को पिछले कई सालों से बिल न चुकाने पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिल भेजा, तो वहीं पालिका ने बिल को गलत बताते हुए यूपीसीएल से पोल और ट्रांसफार्मर का लगभग 4 करोड़ रुपए किराया वसूलने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं आपको बता दें कि यूपीसीएल और नगर पालिका शिवालिका नगर के अधिकारी एक दूसरे विभाग के आकलन को गलत बता रहे हैं और नगर पालिका शिवालिका नगर के अधिकारियों के मुताबिक पालिका 2014 में अस्तित्व में आई है। यूपीसीएल द्वारा बिल का आकलन किस तरह से किया गया है ये स्पष्ट नहीं है, जबकि यूपीसीएल के अधिकारी विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर का किराया वसूलने को ही गलत बता रहे हैं। तो यूपीसीएल विभाग ने नगर पालिका के पास 2.6 करोड़ रुपए का बिल भेजा है, तो हमने उसको क्लेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा है कि भाई ये किस अवधि तक का बिल है, कितनी लाइटों का, ये जब वो क्लेरिफिकेशन करके देंगे उस पर फिर आगे निगम अनुसार कार्रवाई की जाए। गणना की जा रही है, हमारे जो पोल्स वगैरह उनके जो पोल्स वगैरह लगे हैं हमारे उस क्षेत्र में उसके हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। और एक खबर अक्सर से है, जहां शुगर मिल शुरू के पराई क्षेत्र शुरू होने के साथ मिल परिसर और हाईवे पर गन्ना वाहनों का जाम लगना भी शुरू हो गया है। आज फिर मिल गेट के बाहर पुरकाजी हरिद्वार हाईवे पर दोनों तरफ गन्ने के वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिसके चलते किसानों के साथ साथ हाईवे से गुजरने वाले लोगों को भी कई घंटे तक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि शुगर मिल में पूरे सत्र के दौरान जब तक जाम लगने की स्थिति बनी रहती है, मिल प्रबंधन को किसानों के हितों में ध्यान रखना चाहिए। रुड़की के जीआईसी इंटर कॉलेज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस प्रतियोगिता में राज्य के 13 जिलों के 465 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें प्रतियोगिता में छात्रों ने विभिन्न मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें कूड़े से बिजली, ड्रिंक और ड्राइव समेत नमामि गंगे जैसे मॉडल छात्रों ने तैयार किए हैं। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस विज्ञान प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने हे रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुत किए हैं। वेस्ट मटेरियल से हम एनर्जी बनाएंगे। वेस्ट मटेरियल जो होगा ना, जो हमारा जैसे प्लास्टिक हो गई, कचरा हो गया, गत्ते वगैरह हो गए, कागज वगैरह हो गया, उनको जला करके ना इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। हाँ, और सर जो हमारा अगर हम ये जलाएंगे तो इससे धुआं होगा, और धुएं से हम बचने के लिए ना मैंने एक वो बनाया है चिमनी टाइप की, वो धुआं जाएगा पानी के अंदर। धुएं में क्या होता है, कार्बन होते हैं ना, तो उसको कार्बन अन्य अन्य गैस होती है जिससे हम जिसको टीवी जैसी बीमारी होती है, तो उसको हम एक पानी में जो एक धुआं होगा उसको एक पानी में डाल करके ना उसके कार्बन वहीं पर रोक लेंगे, क्योंकि कार्बन का मान अवस्था में जब यहाँ पर रहता है ना वातावरण में हल्का रहता है। यह है राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव है जो SCERT के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है, और इसमें लगभग 465 प्रतिभागी हैं और मार्गदर्शक शिक्षक भी हैं, और राज्य के 13 जनपदों के प्रत्येक जनपद से विभिन्न विधाओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। और ये विभागत 3 दिनों से चल रही है, दिनांक 18 से लेकर के और 20
नवंबर 2023 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम एल्को विजिलेंस राइड है। बेसिकली इसको मैंने बनाया है एल्कोहल, मतलब आपने देखा होगा ड्रिंक एंड ड्राइव से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसी पे मैंने ये बनाया है, उसी बेस पे इसका नाम भी रखा है जो कि है एल्को विजिलेंस राइड। सर यहाँ पे जो हमारा सेंसर है ये एल्कोहल को सेंस करता है। जो सेंसर रहेगा ये हमारी गाड़ी के आस जो सीट है ड्राइविंग सीट उसके आसपास ही लगा रहेगा। इससे क्या होगा जो हमारी गाड़ी है उसमें अगर किसी ड्राइवर ने ड्रिंक करी हुई है वो गाड़ी को ऑन करता है तो गाड़ी हमारी ऑन नहीं होगी, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाएंगे। कि मैंने न्यूज़ में देखा है काफ़ी बार कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। गतर्व राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गोचर मेले का शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं पुरस्कार वितरण के साथ समापन किया गया। वहीं समापन अवसर पर मुख्य अतिथि बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पर्वतीय समाज के मेलों का स्वरूप भी अपने में एक आकर्षण का केंद्र है और गोचर का यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मेला इसका उदाहरण है। कि इस मौके पर प्रतिभागियों सहित सहयोग करने वाले शिक्षकों, समाजसेवी, प्रेस प्रतिनिधियों, राजस्व टीम, पुलिस प्रशासन, विभागीय स्टॉल, जल संस्थान, विद्युत उद्यान, उद्योग, कृषि, बाल विकास, वन आजीविका आदि विभागों सहित मेला समिति के सदस्यों को प्रशस्त पत्र का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अलग अलग एक्टिविटीज़ में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारी टीम जो है मार्च पास में फर्स्ट आई है, कई स्पोर्ट्स इवेंट्स में फर्स्ट आई है और ड्राइंग, स्पीच, भाषण में फर्स्ट आई है और ओवरऑल सभी में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। स्कूल से ये डांस किया, आज चल बेजंती है 20 तारीख 20 नवंबर। मेले का जो हमारा पांडाल में जितने भी कार्यक्रम होते हैं इस तारीख हमारे जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, तो आज समाप्ति है और सारी स्कूल्स का जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं इनका डांस होता है फिर से। और अभी रिजल्ट तो हमें पता नहीं चला है हम फर्स्ट आए हैं या क्या आए हैं, अब ये देखा जाएगा। अब हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया जहाँ तक मुझे लगता है और हमारे बहुत सारे टीचरों ने अपना योगदान दिया है। मैं सरकार स्कूल गौचर से म्यूजिक टीचर हूँ हमें और हमने आज जो प्रस्तुति दी। गौचर मेला जो शुरुआत हुआ था उसका समापन हो गया है। वहां आपको बता दें कि पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है, पुरस्कार वितरण भी किया गया है समापन पर। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसमें कई सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शनी देखा गया। वहीं पुरस्कार वितरण के साथ इस मेले का समापन हुआ है। वहीं गोचर मेले के समापन पर आयोजित चले बेजंती प्रतियोगिता के अंतर्गत क्षेत्रीय स्कूलों के प्राइमरी और जूनियर वर्ग के छात्र और छात्राओं ने लोक नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसका निर्देशन विद्यालय के म्यूजिक विभाग के शिक्षक रविन्द्र चुनेरा ने किया। वहीं आप बता दें कि लोकगीत और नृत्य के साथ ही छात्र छात्राओं ने अन्य कई विधाओं तथा खेल प्रतियोगिताओं में भी कई पुरस्कार लिए। अलग अलग एक्टिविटीज़ में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारी टीम जो है मार्च पास में फर्स्ट आई है, कई स्पोर्ट्स इवेंट्स में फर्स्ट आई है और ड्राइंग, स्पीच, भाषण में फर्स्ट आई है और ओवरऑल सभी में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। से ये डांस किया, आज चल बेजंती है 20 तारीख 20 नवंबर। मेले का जो हमारा पांडाल में जितने भी कार्यक्रम होते हैं इस तारीख हमारे जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, तो आज समाप्ति है और सारी स्कूल्स का जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं इनका डांस होता है फिर से। और अभी रिजल्ट तो हमें पता नहीं चला है हम फर्स्ट आए हैं या क्या आए हैं, अब ये देखा जाएगा। अब हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया जहाँ तक मुझे लगता है और हमारे बहुत सारे टीचरों ने अपना योगदान दिया है। सरकार स्कूल गौचर से म्यूजिक टीचर हूँ हमें और हमने आज जो प्रस्तुति दी और प्राइमरी लेवल में जो मैंने फोक का करवाया था लोक नृत्य, खड़िया करवाया था और जूनियर लेवल का जो था मेरा
लोक नृत्य था तांदी और जोड़ा, जो तांदी होता है तेरी गढ़वाल का जो लोक मुख्य लोक नृत्य है। इकहत्तरवां राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गोचर मेले का शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार वितरण के साथ समापन किया गया। वहीं समापन अवसर पर मुख्य अतिथि बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पर्वतीय समाज के मेलों का स्वरूप भी अपने में एक आकर्षण का केंद्र है और गोचर का यह प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मेला इसका उदाहरण है। इस मौके पर प्रतिभागियों सहित सहयोग करने वाले शिक्षकों, समाजसेवी, प्रेस प्रतिनिधियों, राजस्व टीम, पुलिस प्रशासन, विभागीय स्टॉल, जल संस्थान, विद्युत, उद्यान, उद्योग, कृषि, बाल विकास, वन आजीविका आदि विभागों सहित मेला समिति के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेजकर सम्मानित किया गया। मेले की सार्थकता और अधिक होगी जब यहाँ पर बाहर के उत्पादों को छोड़कर स्थानीय उत्पादों की सरकार को एक दीर्घकालिक दृष्टि पर काम करने की आवश्यकता है कि धीरे धीरे बाहर के उत्पादों पर निर्भरता को समाप्त कर स्थानीय उत्पादों को मेले में शामिल किया जाए। मेला है और ये राजकीय मेला है, 14 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर तक चलता है। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड के द्वारा किया गया और हमेशा किया जाता है और समापन माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया। मेला बहुत अच्छा रहा, इसमें बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग आए और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उसमें मुख्य रूप से पर्वतीय कल्चर जो हमारा पहाड़ी कल्चर है उसको महत्व दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम विभागों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में तहसील विकास नगर में वोटर लिस्ट अपडेट से संबंधित जानकारी देने के लिए एसडीएम विनोद कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तहसील प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। जहां आपको बता दें कि जिसके चलते वोटर लिस्ट अपडेट का कार्य गतिमान है, इसमें नए वोटर को जोड़ने के साथ ही मृत लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिसके लिए घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस नए वोटर जोड़ने और वोटर कार्ड अपडेट की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया गया है, जिसके जरिए लोग जो है सुविधा पा सकें। बताया कि वोटर लिस्ट अपडेट का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक पुनरीक्षण कार्यक्रम अभी जारी है, जिसके तहत नए वोटरों को शामिल करने के साथ साथ जिन लोगों की यहाँ से शिफ्टिंग हो चुकी है और जिनके नाम में कोई संशोधन होना है किसी भी तरीके का, उसका कार्यक्रम अभी चल रहा है। इस बीच में जो निर्वाचन आयोग के निर्देश मिले हैं, जो 18 और 19 का जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसको मैक्सिमम जो एलिजिबल वोटर हैं उनको जोड़ा जाना है और उसके साथ साथ जो जेंडर गैप है उसको भी कम किया जाना है। उसी के लिए ये पुनरीक्षण कार्यक्रम चला है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से तैयारी में लग गई है। अगर बात करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की, तो आज से 2 दिन के टिहरी और उत्तरकाशी के दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि करण महारा की माने तो संगठन स्तर पर टिहरी और उत्तरकाशी में बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जनता बीजेपी के कारनामों से त्रस्त है। वहीं प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड, यूके एसएसएससी भर्ती घोटाला और महंगाई की मार जैसे अनेकों मुद्दे हैं जिनसे जनता उब चुकी है। वहीं करण महारा ने बताया कि इसलिए अब जनता कांग्रेस से जुड़ना चाहती है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की ही जीत होगी। मैं रुद्रप्रयाग चमोली और पौड़ी जनपद में था और लोगों का रुझान अच्छा है, लोग साथ हैं, लोग समझ रहे हैं कि सरकार बुरी तरीके से फेल है। आपदा में भी देख लिया सबने,
बाढ़ में मंत्री सात सात दिन बाद जा रहे हैं लोगों के सुध लेने, और जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से करंट से 17 लोग मरे, बीजेपी के नेता लोग बाद में पहुंचते हैं, मतलब दूसरे दिन पहुंच रहे हैं, 17 लोग मर गए, जब एक मरा तब उसकी सुध नहीं ली गई। उसके बाद 40 से ज्यादा लोग चट्टान गिरने से मरे, उसके बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, पेपर लीक, पटवारी पेपर लीक, ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला, सारी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जनता अब कांग्रेस से जुड़ना चाह रही है, वो विकल्प चाह रही है बीजेपी का। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश में अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2024 चलाया जा रहा है। वहीं देहरादून जिले के सभी मतदाताओं के लिए विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत सभी मतदान स्थलों पर कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी ने सचल वाहन दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कैंप के जरिए मतदाता सूची में पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। वहीं अभियान के दौरान मतदाताओं के वोटर कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ वोटर कार्ड में त्रुटियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अब क्योंकि पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, एडिशन डिलीशन या कोई चेंजेस कराने हैं अगर अपने वोटर कार्ड में, तो पूरा कार्य अभी चल रहा है। हमारे बीएलओज जो है वो अपने अपने बूथ पे बैठी हुई है, तो जो भी मेरा सभी से जो भी वोटर्स हैं और जो भावी वोटर्स हैं 18 से 19 साल के, वो बूथ पे जाके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और डोर टू डोर भी हमारा सर्वे चल रहा है, मैक्सिमम वोटर्स एनलिस्ट हो जाएं, उसकी हम कोशिश करें। प्रदेश में संचालित हो रहे सभी डाकघर में आधार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विभाग की ओर से प्रथम चरण में तकरीबन 2000 डाकघर में आधार केंद्र बनाए गए हैं, वहीं 786 डाकघर में नहीं है। सेंट्रल डाक विभाग की ओर से प्रदेश में 2786 डाकघर संचालित किए जा रहे हैं, वहीं 786 डाकघर बिना आधार केंद्रों के संचालित हो रहे हैं। इनमें से अधिकतर डाकघर वो है जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर शामिल हैं। इन डाकघर में विधिवत आधार केंद्र संचालित करने के लिए डाक विभाग भारत संचार निगम लिमिटेड की मदद लेगा, जिससे आधार केंद्र बनाए जा सकेंगे। वहीं निदेशक डाक और सेवाएं अनुसूचा प्रसाद चमोला ने बताया, प्रदेश के सभी डाकघर में आधार केंद्र बनाए जाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जिन डाकघर में आधार केंद्र नहीं खोले गए हैं, वहां नेटवर्क स्थापित होते ही सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड में 395 उपडाकघर हैं, प्रधान डाकघर और उपडाकघर हैं, और 2341 ब्रांच ऑफिस हैं जो गांव में हैं। कुल मिलाकर के जो 2736 हमारे ऐसे ऑफिस हैं, इनमें से 209 पोस्ट ऑफिसों में पहले से ही आधार बनवाने की व्यवस्था है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। अब आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।